दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर, जहां मिलेगी सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से, फिर दिए हुए घंटी के बटन को दबाना ना भूले, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर। दिल्ली यूपी में आज भी बरसेंगे बादल, छत्तीसगढ़ में भी होगी मूसलाधार बारिश। अक्टूबर महीने में अभी बारिश जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई है। अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु में और अगले 2 दिनों तक कर्नाटक में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। हाल ही में देश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। IMD के महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 12 तारीख को अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। इन जगहों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं तमिलनाडु में 15 अक्टूबर तक बारिश के आसार है। आंध्र प्रदेश और केरल में अगले कुछ दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों में हल्की से सामान्य और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। यानी 13 और 14 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से दिन और रात की हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। फिलहाल पिछले 24 घंटों से बारिश थमी है, लेकिन ऐसा कुछ ही समय के लिए होगा। बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहने ही वाला है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की सामान्य और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक 13 और 14 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। यूपी मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, उन्नाव, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, महराजगंज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, गोंडा, बरेली, हाथरस, महोबा, जालौन और उसके आसपास के कुछ जिलों में सामान्य बारिश हो सकती है। 13 और 14 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। 15 से 20 अक्टूबर के बाद मौसम का रुख साफ होने और बादलों की विदाई हो सकती है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वर्तमान में 103 वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नमी आ रही है और बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार इनमें 13 अक्टूबर से बदलाव हो सकते हैं। 12 अक्टूबर से ग्वालियर, चंबल, भोपाल, इंदौर और उज्जैन के साथ 15 अक्टूबर तक ग्वालियर, चंबल के इलाकों में झमाझम बारिश का अनुमान है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड में मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है और अगले कुछ दिनों तक कमोबेश ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 12 और 13 अक्टूबर तक बारिश की राहत नहीं मिलने वाली। रांची मौसम केंद्र के अनुसार 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश संभावना जताई गई है। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं जिन 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना है और जहां लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, उनमें रोहतास, औरंगाबाद और गया शामिल है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और लास्ट में हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे।